पंचायत की ओर से ढिंढोरा पीटा जाता है, औरतों के लिए पंचायत में एक तिहाई आरक्षण होगा। पाटिल, जीवन चाचा और ज्ञानबा मिलकर गंगा माई नामदेव की बीवी बसंती और छोटी पाटलन को नाम मात्र प्रतिनिधि बनाकर चुनाव में खड़ी करने की सोचते हैं। इधर कतरी अड्डे में उनके विरोध में जुबेदा भी लक्ष्मी और रुक्मिणी को खड़ी करने की बात पक्की होती है। गज्जू और पाटिल पंचायत की चाबी गुम करते हैं ताकि औरतें चुनाव पत्र ना भर सके, लेकिन आखिर चाबी औरतों के हाथ लग ही जाती है। और पाटिल जी का भांडा फूट जाता है। मेरी माए चाची, बहुत दिनों के बाद आई है भजन मंडली में। क्या करें गोविंद भाई, सहकारी मंडली का काम ही इतना होता है, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताओ, क्या जुबेदा भी और लक्ष्मी बहू सचमुच चुनाव लड़ रही है? पाटिल के विरुद्ध चुनाव जरूर लड़ेंगी, लेकिन बात पाटिल जी का विरोध करने की नहीं है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि गांव के सोच विचार का ठेका सालों साल उन्हीं चार लोगों के हाथों क्यों दे हम लोग। सुना है इस बार तुम लोग चुनाव लड़ रहे हो? जी मास्टर जी, उसी के बारे में पूछना था। अगर चुनाव के बारे में कुछ सलाह मशवरा करना है तो स्कूल में आना अच्छा नहीं है। मैं आपके मंडली में आ जाऊंगा, आप सभी लोगों की मीटिंग बुलवाओ, मैं आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। जानते हैं तो हमारे घर के सामने का रास्ता ठीक क्यों नहीं होता? हाँ, नीचे वाले खेतों को पानी मिलने के लिए बांध के बंधा जाता है। हाँ, ये बात ठीक है। आप तो बात समझते हैं ना बैरी माई, ये हरि उनका आदमी है। अरे तो क्या हुआ, हम कोई उनके विरुद्ध थोड़ी बातें कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मत जो है वो सोच विचार करके देना चाहिए। अरे ओ लाड़ी, अरे चाची, अरे कल क्यों आई थी घर पे? मैं कल सासुर गई थी। चाची मैं तो ये पूछने आई थी कि अगर हम सब आरजी नहीं पहुंचाती तो क्या डॉक्टर नहीं गांव में आती और क्या तुम्हारी बहू आज बच जाती? अरे हाँ मैं सब जानती हूँ, ये ठेरे बड़े लोग अपनी फटफटी निकालते हैं और परिंचे के दवा खाने जाते हैं और हमारे बच्चे बिना दवाई के तड़पते रह जाते हैं, उन्हें क्या। तो ये सब बदलने के लिए ही तो चुनाव होता है। अरे मोहर लगाते समय उन्होंने देख लिया तो? चाची तू जानती नहीं, मोहर लगाते समय कोई नहीं देख सकता, इसे गुप्त मतदान कहते हैं। अरे ऐसा क्यों कर रहा है, जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। हम आपसे बात नहीं करेंगे जी। क्यों ने? ऐसा क्या हो गया है? आप हमारे दुश्मन हैं, खामखा हमसे लड़ते रहते हैं। हमको गाय मिली है तो आपको क्या नुकसान है? ये क्या पागलपन है? बेटा पाँव दुख रहे हैं, जल्दी से उठा लो ना। तुम्हें उठा लूंगी तो ये बोरी कैसे ले लूंगी, यहाँ पे बैठो। क्या अभी क्या बोल रहा है मुरली? भैया इसके पाँव दुबले हैं ना, थक गया है। क्यों रे, साइकिल पे बैठेगा? हाँ चला, पकड़ पकड़ इधर। हाँ वो बोरी यहाँ लगा लो। हाँ।
अरे रुक 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 रुक। अरे ये रामदास की बहू है ना? जी पटेल जी। तो पूछ उससे बैलगाड़ी में जाना है। बहू जी। नहीं नहीं पटेल जी, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, उसकी मर्जी। चल। फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये बात सच नहीं है? क्यों ना हम लोग एक बार गांव वालों की मीटिंग लेकर इन लोगों का ये नकाब फाड़ ले। झूठा प्रचार करती हैं हमारे खिलाफ, ये औरतें समझती क्या है अपने आप को? सासू जी तो कहती हैं उन औरतों की बात अलग है और हमारी बात अलग। अब चार दीवारी के बाहर जाना, हर एक के साथ उठना बैठना, ये हमें शोभा नहीं देता। नहीं तो ऐसी वैसी बातें करने में हम कुछ कम नहीं है। मीटिंग वीटिंग लेने की क्या जरूरत है? पूरे गांव के कानों तक खबर गई होगी। कौन सी खबर? आजकल की औरतें हैं ये जीवन चाचा। पर्दा वर्दा तो करती नहीं, अब हमारे मुंह से बोलना भी हमें ठीक नहीं लगता। पर वो रामदास की छोटी भाभी है ना, शहर से आई है, अब अकेली औरतों को मदद की जरूरत पड़ती होगी। हम हैं, आप हैं, जीवन चाचा ज्ञानबा है, पर जवान लड़कों से मदद लेना है? अब अगर आए ऐसी बातें गांव के लोगों के कानों तक पहुंच गईं, तो बताओ क्या होगा? राम 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 राम। ची 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 ची। क्यों गज्जू? जी समझ गया। ची ची ची। अब सही बात नहीं कर सकते तो ऐसी घटिया बातों पर उतर आते हैं ये लोग। बेचारी रुक्मिणी कितने कष्ट उठाकर जी रही है वो, अब वो अकेली औरत है तो उसके बारे में कुछ भी बोला जा रहा है। तुझे बताया किसने दिया सर? सही है चाचा ने, वो बूढ़े का कान क्यों नहीं जवाया? कैसी बातें कर रहा है तू? वो अपने मन की थोड़ी बता रहे थे, वो तो दुश्मन की बात कर रहे थे। हाँ, वो बूढ़ा। खबरदार उस बुजुर्ग के बारे में ऐसी वैसी बातें कहे क्यों? ए, वो बुजुर्ग होंगे तेरे। हाँ हाँ, वो तो मेरे ही बुजुर्ग है, अगर उनके बारे में एक भी शब्द तूने कहा ना तो अम्मी भी नहीं सुन पाएगी। ये क्या चला है तुम लोगों का? ए तू चुप बैठ, हमारी औरतों की बेइज्जती हम कभी नहीं सहेंगे। हाँ हाँ वो ठीक है, मगर आप रजाक भाई पर गरम क्यों हो रहे हो? भाभी ये राजनीति तुम नहीं समझोगी, सैयद चाचा इनके अपने आदमी हैं। अब मतों के लिए पाटिल उनके गले में माला डाल रहे हैं, यानी ये भी अभी पाटिल के पीछे पीछे घूमेगा। किस राजनीति की बात कर रहा है तू? कल तो उनसे भी झगड़ा हुआ, उनसे भी ताने सुनो और यहां बैठकर तुमसे भी ताने सुनो। अरे इस चुनाव के झंझट में मुझे नहीं पड़ना है। रजा लक्ष्मी जरा देखते हो, इधर मुर्गियां कहां चला है? चुरा के तुम्हारे मायके से। सच सच बताइए ना। क्या तुम्हें कुछ बदलाव दिखाई नहीं देता? क्यों नहीं, कितनी खुश हूँ मैं पता है, आजकल अपने पीना जो कम कर दिया है ना। अरे इसीलिए तो बच गए पैसे मुर्गिया खरीदने को। अरे तुम पढ़ना लिखना सीख के बदल गई हो तो क्या मैं नहीं बदल सकता? अरे अब क्यों रोने लगे तू? तो कह रही हूँ ये तो खुशी चाहते है। शकीला थोड़ा सा देख नहीं सकती थी क्या? क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ अम्मी, सुबह से मुर्गियाँ गायब है। क्या? हाँ मुझे तो लगता है किसी ने चोरी कर दी। चोरी? हाँ तुझे तो तेरी नाटक मंडली से फुर्सत होती नहीं, इसको मैं बोल के थोड़ी देर बाहर गई तो बस ये नौबत। यहाँ ढूंढ रहा हूँ ना। ढूंढ रहा हूँ, तुझे कहाँ टाइम मिलेगा ढूंढने के लिए?
हर जगह तो मुझे ही मरना है। कितनी देर से ढूंढ रही हूँ, घर आई से पता चला कि बुढ़िया गायब है। तुम्हें उस रुक्मिणी के देवर बन के मेरे यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? मैं उसके भले की कुछ कहने के लिए उसके घर गई थी। गंगा माई वो सब ठीक है, पर आप ऐसे बोली जैसे रुक्मिणी भाभी ने सचमुच में कुछ गलती की हो। गलती की हो? चुप। तू इतना सा लड़का है, देख घास के नीचे जब आग होती है तभी धुआं ऊपर उठता है। लेकिन माई यहाँ से धुआं निकला ही नहीं। तुझ पर विश्वास करूं? और जिस पाटिल ने धुआं देखकर मुझे खुद बताया उस पे ना करो। गंगा माई मेरी बात मान लो। क्या बात? अरे जग्गू आ जा, अरे बकरी आई। पाटिल जी ने कहा है शाम को हरी घास भिजवा देंगे। अच्छा अच्छा, कितनी अच्छी है रे। रानी रानी हाँ। अरे ठेक नई बकरी घर आई है, इधर चक्कर लेके जा। लाती आ गई। किसको खबर होनी चाहिए? गंगा माई घर पे नहीं है। हाँ, किसने देखा तूने? बिल्कुल नहीं। रजाक तो मुझे जाते वक्त रास्ते में मिला। जुबेदा घर पे नहीं है। संभल के चलना। अरे मुर्गी और बकरियां कहाँ ले जा रहे हो? ये चुप, छोटे पाटिल के कहने पे उनके खेत में ले जा रहे। समझ गया। क्या समझा रहे? अब मैं कुछ नहीं समझ, नहीं समझा ये समझा। हाँ आइए आइए शंकर मामा, आइए पधारिए। आपको कहा था ना मैंने। तो मैंने जैसे कहा था पाटिल जी, इनके पक्ष के विचार और हमारे विचार बिल्कुल मिलते जुलते हैं। देखिए, आपके पक्ष का चिन्ह लेने से हमें वैसे कोई एतराज नहीं है। जिस पक्ष से हमें ज्यादा लाभ हो उस पक्ष का चिन्ह हम लेते हैं, क्यों जीवन चाचा? उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल तक ज्यादा से ज्यादा एक दो दिनों में धोती और साड़ियां पहुंच जाएंगे। अच्छा अच्छा, वो लोग आए थे क्या? नहीं नहीं, आप ही पहले आए। तो ठीक है, फिर ये पक्का। ठीक है। आइए आइए आइए, हमारे पाटिल जी। नमस्ते। अपने साले के दोस्त है ये, वो लोग आए थे क्या? नहीं, वैसे आपके पक्ष का चिन्ह भी हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा फायदा क्या होगा? वैसे उनके पक्ष के विचार और हमारे विचार बिल्कुल मिलते जुलते हैं। हम खुद छिपाते नहीं, साफ साफ बात करते हैं। आप चाहे तो हम रोकड़ा भी भेज सकते हैं। क्यों जी? बिल्कुल। अच्छा नमस्ते। आओ आओ गंगा माई, आओ। ये 30% का भूत कहां से घुस गया गांव में? इससे जहर फैल गया सबके मन में। पर हुआ क्या गंगा माई? देख मैं एक बूढ़ी, मेरा भला क्यों चुभने लगा इन लड़कों की आंखों में? हा? क्या हुआ, कुछ तो बोल। तुम सभी का साथ है उनको। हा? क्या हुआ है गंगा माई? तुम्हारे नाटक वालों ने मेरी बकरी चुराई है। हाय गंगा माई, नाटक वाले क्यों चुराने लगे आपकी बकरी? इसके कहने पर उन्होंने मेरी बकरी चुराई है। गंगा माई, मुझसे और नहीं सुना जाता, मैं जाती हूँ। मत जाओ, तुमने कुछ नहीं किया, तुम ऐसे भाग मत जाओ। रुक्मिणी शांत हो जाओ। रुक्मिणी, क्या आपको सचमुच नाटक वालों पे शक है? अगर गणेश और उसके दोस्तों ने ऐसी हरकत की है ना, तो वो आज मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेंगे। सुन तो, अरे अरे सुन तो, अरे अरे मां, तू इधर छोड़ ना तू। ये है मेरा लड़का,
देवर जी, क्या आप लोगों ने गंगा माई की बकरी चुराई है? क्या गंगा माई कह रही है तुम लोगों ने इसकी बकरी चुराई है, सच है ये? हाँ, ऐसी हरकत और हम करेंगे, वो भी गंगा माई के साथ। हट्टी चाची। हाँ मैं यहाँ हूँ। हाँ मुझे मालूम था तुम यही होगी, हमने तो सोचा था कि हम सब एक है। मैं नहीं जानती थी कि हम लोग तुम्हारे लिए वो लोग हैं, तुम में से नहीं। ए शुभेदा भी आवाज मत चढ़ा, मैं भी चिल्ला सकती हूँ। क्या हुआ है चाची? अरे इसने हमारी मुर्गियाँ चुराई है, भगवान का शुक्र है अभी तक चुरा के खाने की नौबत नहीं आई हम पे। चोरी का इल्जाम? हाँ हाँ चोरी का इल्जाम, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आई हूँ। अम्मी, अम्मी, अम्मी तू यहाँ क्यों आई है? इसने इसने मेरी आंखें खोली है। चुनाव लड़ाई थोड़ी है, ये तो एक खेल जैसा खेलना चाहिए, दूसरे पक्ष के प्रति आदर भाव मन में रख के। हमें अपना नेता सोच समझकर चुनना चाहिए, ऐसा नेता जिसे सब लोगों के भले की चिंता है। हम जिसे प्रतिनिधि बनाएंगे, ना ही वो बनावटी गुंगा हो या किसी का गुलाम, ना ही वो घमंडी हो या बिकाऊ, जैसे अपने औकात वैसा अपना प्रतिनिधि। अगर हम पढ़े लिखे सजग तो हमारा प्रतिनिधि ज्ञानी और सजग, अगर हम भ्रष्ट नहीं तो हमारा प्रतिनिधि भ्रष्टाचारी नहीं होगा। सत्ता के बजाय सबकी शांति और सुख चाहने वाला होगा हमारा प्रतिनिधि। एक ही साल में तुम सब लिखना पढ़ना सीख के कहां से कहां आ गई। पाटिल जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब क्या है? गांव में पहले जो कभी नहीं हुआ था वो हो रहा है। हाँ। आज तक गांव में किसी ने कभी हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। हाँ। जैसे जैसे तुम लोगों की अकल बढ़ रही है गांव में दुश्मनी बढ़ रही है, ऐसी अकल किस काम की? पाटिल जी सुनिए तो जरा, लक्ष्मी क्या कह रही है आप ही की बेटी समझकर सुन लीजिए। पाटिल जी आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अकल बढ़ानी है इस तरह कि छोटी पाटलन जी हो या बसंती, नामदेव हो या जीवन चाचा के बेटे वासु भैया हो, गांव में सबको एक ही दर्जे का आदर मिले। अब गांव में ऐसा भी ना हो कि एक के खेत को पानी मिले और दूसरा सूखा ही रहे, एक का घर पक्की ईंटों का हो और दूसरे का घास फूस का जो हर बरसात में तबाह हो जाए। और ऐसा भी ना हो कि मर्द शराब के नशे में चूर रहे और औरत काम का बोझ उठाते हुए भी सर ऊंचा करके ना जी सके। क्या वो औरत है सिर्फ इसलिए? आप सबको ये छोटा मुंह बड़ी बात तो नहीं लग रही है ना? नहीं नहीं, ये सब तो तुम लोगों ने ठीक कहा। बुआ जी क्या हम भी ये सब मानते नहीं है? लो अब गांव की बहुओं से हमें सीखना होगा। नहीं नहीं ज्ञानबा चाचा, ये सब बातें तो आप बुजुर्गों ने हमें सिखाई है, हम तो आपसे विनती करने आई है। लक्ष्मी दीदी, रुक्मिणी और जुबेदा भी, इन्होंने जो नामांकन पत्र भरे हैं उन्हें आप फाड़ दीजिए, और छोटी पाटलन जी, गंगा मई और बसंती, इनको ही पंचायत के सभासद चुनिए। क्या बोली? या ये भी कोई नाटक ही है? पाटिल जी हम लोग महाभारत के महायुद्ध पर नाटक लिख रहे थे,
पांडव और कौरव थे तो भाई भाई, मगर सत्ता के लालच में आकर उन्होंने आपस में युद्ध किया और अंत में ना ही किसी को सुख मिला न शांति। और ये औरत हमें बोली कि इस महान ग्रंथों से और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हमने कुछ तो सीखना चाहिए। कम से कम हमारे गांव में तो हम दुश्मनी नहीं बढ़ाएंगे। बिल्कुल पाटिल जी, आपको याद होगा आपके पिताजी सभी गांव वालों को अपने बच्चे कहते थे। हाँ हाँ बुआ जी, वो मैं। हाँ हाँ बोलो बेटी जी। जब मैं नई नई शादी होके इस घर में आई थी तो उन्होंने मुझे भी यही कहा था कि इन चार दीवारी में नहीं है तुम्हारा परिवार, बल्कि ये पूरा गांव यही है तुम्हारा परिवार। असल में कथरी अड्डे में से ही किसी को सरपंच होना चाहिए इस बार। अच्छा हुआ बेटी तूने बाबूजी की याद दिला दी, बिल्कुल ठीक कहा तूने। गंगा भाई, तुम्हारी बकरी पाटिल जी के खेत में जो झोपड़ी है ना उसमें मिली है। और जुबिदा चाची, तुम्हारी मुर्गियां भी। क्यों मेरी कमी, ये सच है? चुप। पाटिल जी, बेटे को शर्मिंदा मत कीजिए। हमारी बस एक आखिरी विनती है। हम सब आज एक दूसरे के सामने खड़े हैं। हम औरतें जो पंचों के सामने कभी आंख मिलाकर बात भी नहीं कर सकती थी, आज आपसे बात कर रही हैं। ये सब चमत्कार किया है हमारी पढ़ाई ने। इस बार नई पंचायत को गांव के छोटे बड़े मर्द औरत सबको लिखना पढ़ना सिखाना चाहिए। हाँ, और हाँ, अखबार पढ़ने की भी आदत डलवानी चाहिए, बस और कुछ नहीं। हाँ सुबेदा भी, आपने तो बिना चुनाव हमें हरा दिया। ये तो सरपंच का भाषण हो गया भाई। तो क्या जुबेदा बीवी गांव की सरपंच बन सकती है? हाँ क्यों नहीं। ना? हमारी सरपंच जुबेदा बी। अरे बोलो बोलो, हमारी सरपंच जुबेदा बी, हमारी सरपंच जुबेदा बी। विधाई पढ़ाई, जिंदाबाद। विधाई पढ़ाई, जिंदाबाद। 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 पढ़ाई लिखाई जिंदाबाद। क्यों भाई, तुम दोनों नारे क्यों नहीं लगा रहे हो? जीवन चाचा, पाटिल जी, ये अपने गांव के लोग नहीं है, राजकीय पक्ष के लोग हैं। हाँ, ये लाए हैं धोती और कपड़ा और ये लाए हैं रोकड़ा। तो भगा दे इनको। हाँ। ये भाई हो गए हमारे चुनाव। हाँ। चलो जाओ। जाए जंजीरें भी खुलती जाए, नहीं गुलामी नहीं दुश्मनी, गांव के ऐसे सपने सजाए। सत्य अहिंसा द्वेष मुक्ति से मन के धागे बनते जाए। साक्षरता है अपनी शान, साक्षरता का है अभिमान, साक्षरता का ये अभियान। नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर बराबर।